नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम है कैर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, थियरी ऑफ माइग्रेशन में हम लोग तीन मॉडल जो हैं ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं और दो मॉडल बाकी हैं। तीन मॉडल में हम लोग रेवेंस्टीन का मॉडल देख लिए हैं और ग्रेविटी मॉडल देख लिए हैं और फिर स्टॉपर का भी मॉडल देख लिए हैं। दो मॉडल जो बच गए हैं वो क्या है, ली का पुश पुल थियरी और लास्ट जो है जेलेंस्की का। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में ली का पुश पुल थ्योरी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे और अगले वीडियो में जेलेंस्की का माइग्रेशन थ्योरी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ली का जो पुश पुल थ्योरी है उसमें आप देखोगे कि जो ह्यूमन का माइग्रेशन का जो पैटर्न होता है या वैल्यूम होता है, तो ली बोलते हैं जो पैटर्न या वैल्यूम होता है, आपको पता होगा कि माइग्रेशन क्या होती है, एक सोर्स होता है प्लेस और दूसरा होता है डेस्टिनेशन। तो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में क्या होता है, मूवमेंट होता है किसका, पीपल का, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो पैटर्न होता है माइग्रेशन का और वैल्यूम होता है, तो ली बोलते हैं वो चार फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। चार फैक्टर क्या है, पुश फैक्टर एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मान लो यहाँ पे है सोर्स, वहाँ पे क्या है पुश फैक्टर करता है, और दूसरा पुल फैक्टर एट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में पुल फैक्टर होते हैं, और फिर इंटरवेनिंग बैरियर, इन दोनों के बीच में कुछ बैरियर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है माइग्रेशन, और चौथा जो होता है पर्सनल च्वाइस या बोल सकते हैं प्लस माइनस अपॉर्चुनिटी, यानी कि कहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कहाँ पे कम है कंपेयर करेगा और फिर पर्सनली डिसाइड करेगा जो माइग्रेंट्स होगा कि जाना है कि नहीं जाना है। तो ये चार फैक्टर लीक बोलते हैं कि चारों फैक्टर डिसाइड करते हैं कि माइग्रेशन का पैटर्न कैसा होगा और कितनी ज़्यादा माइग्रेशन होंगी। तो पहला फैक्टर को देखते हैं, आपको पता होगा पुश फैक्टर, आप पहले नाम सुने होंगे। तो पुश फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो ओरिजिन पे लागू होता है, यानी कि जहाँ पे सोर्स, जहाँ पे माइग्रेशन चालू होता है वहाँ पे पुश फैक्टर क्या है, ऐसी कुछ घटनाएं या बोल सकते हैं बैड एक्टिविटीज़ जो पीपल को पुश करती है यानी फोर्स करती है कि यहाँ से भाग जाओ यानी कि यहाँ से माइग्रेट करो। तो पुश फैक्टर आप क्या क्या हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, वहाँ पे जॉब ना हो, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड हो सकती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हार्श क्लाइमेट, क्लाइमेट अच्छा ना हो, नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक या सोशल या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये जो पुश फैक्टर है यहाँ पे जो बैड एक्टिविटी या बोल सकते हो कि जो सुटेबल नहीं है वहाँ पर रहने के लिए, तो पीपल माइग्रेट करते हैं। तो पहला होता है फैक्टर ली के द्वारा पुश फैक्टर। दूसरा जो क्या है, पुल फैक्टर। पुल फैक्टर क्या होती है, जो डेस्टिनेशन पे लागू होती है, डेस्टिनेशन में ऐसा कुछ फेवरेबल एक्टिविटीज होती है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है जो पीपल को अट्रैक्ट करती है कि आए और यहाँ पे बसे। ठीक है, तो पुल फैक्टर क्या होती है, जैसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर लिविंग कंडीशन, पीस एंड स्टेबिलिटी हो डेस्टिनेशन पे, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ हो, प्रॉपर्टीज हो और प्लीजेंट क्लाइमेट हो। यदि ऐसा कुछ होता है तो क्या होंगे, माइग्रेशन, इन माइग्रेशन होंगे यानी अट्रैक्ट होंगे। तो दूसरा फैक्टर ली के द्वारा क्या है, पुल फैक्टर। और तीसरा जो फैक्टर बोलते हैं कि माइग्रेशन में क्या होती है, इंटरवेनिंग बैरियर। इंटरवेनिंग बैरियर क्या है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच अपार्ट फ्रॉम पुल एंड पुश फैक्टर क्या होते हैं, कुछ बैरियर होते हैं जो क्या करते हैं, माइग्रेट को डिस्करेज करते हैं। बैरियर क्या करेंगे, डिस्करेज करेंगे, जैसे जियोग्राफिक बैरियर हो सकते हैं, पॉलिटिकल बैरियर हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं बैरियर, कल्चरल बैरियर हो सकते हैं, रिलीजियस बैरियर हो सकते हैं। तो जियोग्राफिक बैरियर में क्या, मान लो कि सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन बीच माउंटेन हो गया या ह्यूमन मेड बैरियर हो गया या रिवर हो गया। मान लो एग्जाम्पल तौर पर देखोगे कि मान लो एक विलेज है और यहाँ पर अर्बन है, यदि विलेज और अर्बन के बीच में एक बड़ी नदी है और नदी में पुल नहीं है, तो क्या होगा, इस विलेज और इस अर्बन या सिटी में माइग्रेशन कम होंगे। और मान लो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पे एक कोई सिटी है तो माइग्रेशन आपको ज़्यादा होते देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैरियर नहीं होगी, कोई फिजिकल बैरियर नहीं होगा। तो यदि रिवर बीच में आ जाता है या माउंटेन बहुत बड़ा, जैसे चाइना और इंडिया के बीच में क्या है, हिमालय माउंटेन है, तो चाइना में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी क्या है, नहीं वहाँ पर माइग्रेशन होता है, क्योंकि बैरियर है, माउंटेन बैरियर है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि यदि बैरियर हो तो वह माइग्रेशन को इफेक्ट करेगा। या ह्यूमन मेड बैरियर, आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्लोज हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पे फेंसिंग हो रखी है, ह्यूमन मेड बैरियर बना दिया गया कि यहाँ से वीज़ा इजीली नहीं मिलता है, या बोल सकते हो कि कोई जा नहीं सकता। ठीक है, तो ह्यूमन मेड बैरियर भी हो सकते हैं जो इंटरवेन करते हैं, माइग्रेशन को इफेक्ट करते हैं। फिर पोलिटिकल बैरियर, पोलिटिकल बैरियर में क्या हो सकता है, जैसे परमिट सिस्टम, मान लो
जैसे चाइना में, चाइना में क्या है कि बीजिंग या संघाई जो बड़े सिटी हैं वहाँ पे क्या है, परमिट सिस्टम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आके बस नहीं सकते हैं रूरल एरिया से, उसको परमिट लेना पड़ेगा यहाँ पे बसने के लिए। या बोल सकते हो जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको, आप जाके बस नहीं सकते, वहाँ पे परमिट लेना, परमिशन लेना पड़ेगा। तो क्या है, परमिट सिस्टम यदि होगा वहाँ पे पॉलिटिकली बैरियर होगा, वहाँ पे आप जाके बस नहीं सकते, उसके वजह से भी माइग्रेशन इफेक्ट करते हैं। और तीसरा पॉलिटिकल बैरियर में आपके स्ट्रिक्ट वीज़ा लॉ, जैसे अभी यूएसए क्या है वीज़ा को स्ट्रिक्ट बना रहा है, वहाँ पर इमिग्रेशन को स्ट्रिक्ट बना रहा है, आप जल्दी वीज़ा नहीं मिलेगी या तो स्टूडेंट के लिए या तो जॉब करने के लिए, मतलब अलग अलग आप बैरियर यहाँ पर बोल सकते हो। तो ये हो गया पॉलिटिकल बैरियर। ठीक है, और भी पॉलिटिकल बैरियर हो सकते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा यदि आपको इसके अलावा कुछ पॉइंट मिलते हैं तो। ठीक है, फिर सोशल कल्चरल रिलीजियस बैरियर, इसमें आप देख सकते हो सोशल बैरियर, मान लो सोशल एनिमिटी है वहाँ पे, मान लो कोई ऐसा, मान लो श्रीलंका है, श्रीलंका मान लो ऐसा है कि वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग ही जाके बस सकते हैं, यदि मान लो मुस्लिम या हिंदू या तमिल जाके बसते हैं तो एनिमिटी पैदा हो जाएगी। तो क्या होगा, सोशल बैरियर वहाँ पे हो जाती है, रिलीजियस बैरियर, हाँ ये रिलीजियस बैरियर में आ जाएगा, सोशल बैरियर भी आ जाएंगे कि सोशल हारमोनी वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, तो सोशल बैरियर भी हैं। कल्चरल, कल्चरल में आप बोल सकते हैं लैंग्वेज, मान लो आप चाइना में जाना चाहते हो लेकिन चाइनीज लोग को इंग्लिश नहीं आती और हम लोग को चाइनीज नहीं आती, हम लोग को इंग्लिश आती है बट चाइनीज लोग को इंग्लिश नहीं आती, तो क्या होगा वहाँ पे हम लोग उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, यानी कि वहाँ पे सूटेबल नहीं होगा माइग्रेशन को। तो ये सब इंटरवेनिंग वेरियर क्या करते हैं, ली बोलते हैं, ये सब इंटरवेनिंग माइग्रेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और चौथा, ओ यहाँ पे छूट गया, चौथा जो आ गया पर्सनल च्वाइस, पर्सनल च्वाइस एक फैक्टर होता है, इसमें बोल सकते हो मान लो यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन में कुछ अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, सॉरी फिर से बनाते हैं, चौथा जो फैक्टर होता है पर्सनल चॉइस होता है, यहाँ पे मान लो डेस्टिनेशन है, यहाँ पे क्या है सोर्स है, सोर्स में कुछ अपॉर्चुनिटी होगी, डेस्टिनेशन में भी होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक होंगे, यहाँ भी कुछ होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी और यहाँ पे कम अच्छी चीज़ें होंगी, यहाँ पे ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, ज़्यादा बुरी चीज़ें होंगी। तो मान लो पर्सनल चॉइस क्या रिफर करेगा, मान लो डेस्टिनेशन पे आपको 2 लाख पर मंथ सैलरी मिल रहा है और यहाँ पर सोर्स पे 50,000 पर्सनल सैलरी मिल रहा है, तो कुछ लोग चाहेंगे कि 2 लाख मेरे को अच्छी मिल रही है तो यहाँ जाके बसना चाहेंगे। ठीक है, तो ये पर्सनल चॉइस है, कुछ लोग लगेगा कि नहीं अपना, हमारा छोटा सा खेत है, छोटा सा घर है, परिवार है, हम परिवार को ज़्यादा प्रीफर करते हैं और सैलरी हमारी 50,000 है, यानी ठीक ठाक है, मैं नहीं जाना चाहता 2 लाख की वजह से। तो ये क्या है, पर्सनल चॉइस भी होती है कि वो पीपल माइग्रेट कर रहे हैं नहीं, लीगल द्वारा बोलते हैं पर्सनल चॉइस भी मैटर करती है। और दूसरा पर्सनल चॉइस हो सकता है मान लो एज है, कुछ लोग जैसे ओल्ड एज हो जाते हैं, ओल्ड एज हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि वो नहीं प्रीफर करते हैं कहीं और जाके माइग्रेट करें, वो चाहते हैं कि जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ वहीं पे हमारा डेथ हो या ऐसा कुछ, तो ओल्ड एज वाले भी प्रीफर नहीं करते हैं, यंग एज वाले प्रीफर करते हैं, या बोल सकते हो कि उसके जो फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं वो भी इनक्रेज करती है या डिस्करेज करती है। तो ये सब पर्सनल चॉइस भी हो सकते हैं। तो ली के द्वारा 4 जो फैक्टर हैं, क्या क्या, पुश फैक्टर हमने डिस्कस किया, पुल फैक्टर और इंटरवेनिंग बैरियर, और चौथा क्या है पर्सनल चॉइस, तो ये क्या है इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं। ली बोलते हैं कि जो माइग्रेशन होती है वो एक सिलेक्टिव माइग्रेशन होती है। ठीक है, माइग्रेशन क्या होती है, सिलेक्टिव होती है, ए वर्ड की वर्ड याद रखिएगा, माइग्रेशन क्या है सिलेक्टिव होती है, ये हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव सिलेक्टिव हो सकती है। पॉजिटिव सिलेक्टिव क्या होती है कि यदि पुल फैक्टर ज़्यादा हावी होता है, यानी कि अच्छी कंडीशन की वजह से वहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं, कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी या अच्छा हो, उसको ज़्यादा पर्सनल चॉइस अच्छा वहाँ पर, तो पॉजिटिव सिलेक्टिव। नेगेटिव सिलेक्टिव क्या होंगे, उसको पुश फैक्टर हावी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि फोर्स कर रहा है, जैसे मान लो सीरियस माइग्रेशन होगा, MS माइग्रेशन होगा, तो क्या हुआ वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो फोर्स कर रही है, तो हो गया नेगेटिव सिलेक्टिव हो जाएगा। मान लो इंडिया से USA में जाके कोई बंदा बस रहा है या माइग्रेट कर रहा है, तो क्या हो गया पॉजिटिव सिलेक्टिव हो गया, क्योंकि अपने चॉइस से जा रहा है, वहाँ पे USA में अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छा क्लाइमेट मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, तो उसकी वजह से वो माइग्रेट कर रहे हैं, तो वजह पॉजिटिव सिलेक्टिव। नेगेटिव सिलेक्टिव क्या होंगे, सीरिया से मान लो USA में कोई जा रहा है, तो वहाँ पे सीरिया में या अदर नेबर कंट्री में जा रहा है, वहाँ पे अच्छी क्या है पुश फैक्टर ज़्यादा हावी हो रहा है, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नेगेटिव सिलेक्टिव आ जाएंगे। तो ली के द्वारा आप ध्यान रखिए 4 फैक्टर हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्टिव को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग,
मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो माइग्रेशन थ्योरी का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।